वेलकम टू एक्सटेंडिकल। मेरा नाम है सुमित। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ कुछ टेक न्यूज़, जो पहले वाला जो डेट था उसके लिए भी है और आज के लिए भी। तो न्यूज़ जो था पिछले वाला दिनों के लिए वो मैंने मिस कर दिया है और मैं काफ़ी टायर्ड हूँ आज के डेट पर मैं क्या करूँ, अपडेट तो देना ही आप लोगों को। चलिए न्यूज़ को देख लेते हैं। तो पहला जो न्यूज़ है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi शायद प्लान कर रहा है कि MI हेडफोन को लॉन्च करने के लिए आगे चल के। शायद MI हेडफोन के ऊपर Xiaomi के मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से फैलने वाला है, जैसे कि मोबाइल पर फैल चुका है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है Google की तरफ से। Google जो iOS स्क्रीनशॉट एडिटिंग ऐप के साथ जो इंस्पायर्ड होके खुद का भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, आगे चल के शायद हमें देखने को मिल जाए कि iOS जैसा ही वो स्क्रीनशॉट एडिटिंग ऐप Google से मिल रहा है। जो मैं कह रहा था कि Nokia की तरफ से जो न्यूज़ है, Nokia 10 जो लॉन्च होने वाला था वो पता चला है कि Nokia 8 है, पर उसमें थोड़ा चेंजेस लाया गया है, जैसे कि पेंटा लेंस दिया गया है और आपको जो कैमरे के ऊपर जो लेंस जो पेंटा लेंस हुआ है, फिर भी आपको जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा वो 845 रहेगा Nokia 10 में, और 8 से थोड़ा तो डिफरेंशिएशन रहेगा और प्राइस के डिफरेंस भी थोड़ा बहुत रहेगा। आपको शायद स्क्रीनशॉट दिख रहा है मेरे साइट पे, तो उसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर और पेंटा लेंस भी दिया गया है। आप इजीली उसको अपने अपडेट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जो Nokia 9 और Nokia 7 प्लस के आसपास जो डिफरेंस है बहुत ही कम है, वैसे ही 10 और 8 के डिफरेंसेस बहुत ही कम है। तो उसके बाद जो न्यूज़ आता है वो है WhatsApp के बीटा अपडेट वर्सन, जो विंडोज़ फ़ोन के लिए लॉन्च हो चुका है। सबके अपडेट बीटा वर्सन जो कि विंडोज़ फ़ोन के लिए लॉन्च हो चुका है, वो क्या करता है कि आपको लाइव लोकेशन ट्रैक करने का मौका देता है और हार्ट रेट को भी मॉनिटर करने का स्टिकर भी दे देता है। तो आगे चल के शायद कुछ नया देखने को मिले। और जो नेक्स्ट न्यूज़ होगा इन्फोसिस की तरफ से, इन्फोसिस जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है विदड्रॉ कर लिया है और करीब 2.49 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट वो मार्केट से विदड्रॉ कर लिया है। शायद लॉस होने वाला था, ऐसा कुछ न्यूज़ आया होगा। सो नेक्स्ट न्यूज़ जो है मैं बताऊंगा, नोकिया की तरफ से फिर से एक न्यूज़ आया है। जो नोकिया 4 है स्नैपड्रैगन 450 के साथ ही लॉन्च होगा, और जो नोकिया 1 एंड 7 प्लस है वो MWC में दिखाया गया है, और कुछ ऐसा ही फोटोग्राफ सब हमारे पास आया है चल के। और जो स्पेसिफिकेशन है वो शायद यहाँ पर दिया गया है सिर्फ डिस्प्ले वाला ही स्पेसिफिकेशन, जो कि 18:9 रेशियो वाला सभी फ़ोन पे जो डिस्प्ले होता है वही रहेगा। तो आगे चल के देखने को मिलेगा कि मीडिया चिपसेट जो Nokia 3 में इंसर्टेड है और यहाँ पर Nokia 4 में भी शायद हो सकता है। तो देखते हैं जब लॉन्च होता है या फिर कई डिटेल्स आता है तो तब आपको जाके पता चल जाएगा कि कौन सा स्पेसिफिकेशन रहने वाला है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ आता है अपने आइडिया का सेलुलर से, जो आइडिया सेलुलर ने लॉन्च कर दिया है ₹109 का रिचार्ज पे आपको 14 डे तक मिल जाएगा कि फीचर्स 1 GB पर डे के 4G यूजर्स का। और यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है कुछ कॉल्स वगैरह के टाइम, जो कि जियो से कॉम्पीट करे तो शायद नहीं होगा, पर आइडिया चाहता है कि जियो से कॉम्पीट करे इस प्राइस रेंज को लेकर, तो शायद आइडिया फिर से हार जाए जियो से। और यहाँ पर 250 मिनट्स का पर डे का कॉलिंग का रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, और आप जब इसे क्रॉस कर लोगे तो आपको पर सेकेंड में 1 पैसे चार्ज देना पड़ेगा पर कॉल के लिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ चल के आता है, तो आपको 2-3 दिनों से पता चल गया ही होगा, जब गूगल में पिक्चर सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर जो
व्यू इमेज जो ऑप्शन मिलता था इमेज को देखने के लिए, वहां से डाउनलोड भी किया जा सकता था। कभी कभी वो होता कि कॉपीराइट के ऊपर डाउनलोड होता था और वो इमेज जो है कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं रहता था। तो इसी के ऊपर गूगल ने शायद स्टेप लिया हो और व्यू इमेज को बटन को पूरी तरह से मिटा दिया, जैसे कि कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा गूगल का इमेज जो कि कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट न्यूज़ फैल्कॉन की तरफ से है। स्पेसएक्स फैल्कॉन 9 जो रॉकेट स्टारलिंग ब्रॉडबैंड एंड प्लाज रैडर इमेजिंग सैटेलाइट जो 21 फरवरी यानी कल ही लॉन्च होने वाला है, तो उसके ऊपर कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि वो पहले ही संडे को लॉन्च होने वाला था, पर जो टीम है उसका टीम ने उसे थोड़ा बहुत टाइम के ऊपर टाइम लेके उसे डेवलप करना चाहा। जो उसका लॉन्चिंग टाइम होगा वो 21 फरवरी को रखा गया है। और यहाँ पर जो सैटेलाइट भेज रहा है उसका नाम तो मैंने बता दिया है, जैसे कि स्टारलिंक ब्रॉडबैंड जो कि आपके इंटरनेट यूजेस या फिर जो भी इंटरनेट यूज़ करते हो उसका कॉस्ट प्राइस को बहुत ही कम कर देगा। और ये पहला जो कोई सैटेलाइट है ब्रॉडबैंड का भेज रहा है स्पेसएक्स 9 के द्वारा, तो ये बहुत ही फास्ट होगा, 514 किलोमीटर सर्कुलर में ऑर्बिट करेगा। और शायद आपको ऑर्बिट डिटेल्स मिल जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट न्यूज़ भी बता देता हूँ, नोकिया 7 प्लस जो हैंड ऑन इमेज आया है आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कुछ दोनों कैमरा दिया गया है और एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है बैक पैनल पे और फ्रंट पैनल पे। बहुत ही अच्छा सा डिस्प्ले दिया गया है, शायद 18:9 रेशियो का ही होगा। तो चलिए जो स्पेसिफिकेशन हमारे सामने लीक होके आता है वो देखते हैं। H&D ग्लोबल में जो फ़ोन हैंड ऑन में पाया गया था वो कुछ ऐसा था कि 18:9 रेशियो वाला डिस्प्ले तो मिल ही जाता है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा का सेंसर मिलता है रियर नहीं फ्रंट फेसिंग कैमरा में, आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। ये बहुत अच्छा किया नोकिया ने आज के डेट पे। और नोकिया 7 प्लस में शायद 6 इंच का डिस्प्ले मिले और यहाँ पर डुअल जो कैमरा है वो 12 और 13 मेगापिक्सल का एक साथ सेंसर से लेकर डुअल मेगापिक्सल कैमरा दिया जाएगा। और ये डुअल मेगापिक्सल ऑटोफोकस टेक्नोलॉजी भी इसे अप्लाई कर दिया गया है, जैसे कि दोनों कैमरा दिया गया है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि नोकिया OZO 360 डिग्री जो स्पेशल ऑडियो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, आपको जो ऑडियो रिकॉर्ड करना है मोबाइल से वो बहुत ही सराउंडिंग रहेगा, आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हो कोई भी वीडियो एडिटिंग के पर्पस या फिर अपने रिकॉर्ड के पर्पस बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो नोकिया 8.0 ऑडियो अपडेट के साथ आता है तो शाओमी शायद अपडेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नोकिया जो अपडेट कर दिया है ऑडियो 8 पे आपको मिल जा रहा है कुछ ही दिनों बाद। और इसका जो रैम भी है 4GB रैम मिल रहा है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 जो SoC प्रोसेसर मिल रहा है बहुत ही फास्ट रहेगा। और इसका प्राइस रेंज होगा करीब 19,000 तक ही इसका प्राइस रेंज हो सकता है। आगे चल के देखते हैं क्या ओरिजिनल प्राइस आता है, शायद $300 यानी 18,000 से 19,000 तक ही प्राइस रेंज होगा। और नेक्स्ट न्यूज़ है ब्लॉकचेन जो सिस्टम है वो इंडिया में आने ही वाला था, जैसे कि मेरे पिछले वाला न्यूज़ में बताया गया था, तो आ चुका है, कहाँ मुमकिन आ चुका है, यही ठीक रहेगा कि ये ब्लॉकचेन ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम में अप्लाई किया जाएगा और एक्सपीरियंस किया जाएगा ह्यूमन का वर्क प्रोसेस को। ये शायद बहुत ही अच्छा रहेगा ये सिस्टम अगर इंडिया में लागू हो तो, आगे चल के शायद देखने को मिलेगा। और होप ये न्यूज़ भी आया है वैसे। और जो नेक्स्ट न्यूज़ आया है आईफोन के यूज़र्स को एक अलर्ट है कि वो अगर कोई दूसरे डिवाइस से एक सिर्फ तेलुगु वर्ड के तेलुगु कैरेक्टर में SMS वगैरह रिसीव करता है तो उसका आईफोन शायद OS को क्रैश कर चुका होगा और जो डेटा है टोटली लॉस कर चुका होगा। जैसे कि आईफोन जो तेलुगु
या फिर कोई भी ऐसे लैंग्वेज से शायद कॉम्पेटेबल नहीं है और जो वे से काफ़ी हद तक क्रैश होता है। तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। और जो वर्जिन हाइपरलूप वन, वर्जिन हाइपरलूप वन ने प्रॉमिस किया है इंडिया को फास्ट ऑपरेशनल हाइपरलूप रूट बना देगा इंडिया में। तो ये रूट होगा मुंबई से पुणे तक ही और इसका स्पीड होगा 1000 किलोमीटर पर आवर। नहीं, एक्चुअली इसका हाई स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, पर ये 350 किलोमीटर पर आवर ही चलेगा। और इसे अगर ज़रूरत है तो इसे इंक्रीज़ किया जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ही 15 से 25 मिनट तक ही ये जो टोटल जो डिस्टेंस है 140 किलोमीटर इसे कवर कर लेगा और इजीली आपको पहुंचा देगा आपके डेस्टिनेशन प्लेस पे। और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो, काफ़ी फास्ट है ये ट्रेन। तो और आगे चल के देखते हैं ये कैसे लॉन्च होता है, इसका रूट वगैरह, सिस्टम वगैरह, फॉल्ट वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ पर ही। और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और जो रिलायंस इंडस्ट्री जो अनाउंस कर चुका है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो महाराष्ट्र में होने वाला है, इन्वेस्टमेंट है उसका करीब 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। और आगे चल के देखते हैं इस इन्वेस्टमेंट में क्या चल के आता है। यहाँ पर बहुत सारे, और जो नेक्स्ट न्यूज़ है सैमसंग गैलेक्सी 9 और S9 Plus, सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 Plus जो है उसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन और भी लिख हुआ है, फोटो भी आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे कैसे दिया गया है। और यहाँ पर कैमरा तो देख ही रहे हो। और जो सैमसंग गैलेक्सी S9 की बात करें तो यहाँ पर कैमरा मिलता है 12 मेगापिक्सल सेंसर की, और यहाँ पर 1.5 एपर्चर और 2.4 एपर्चर तक ही आप कंट्रोल कर पाओगे इसके अंदर, यानी मिल रहा है 1.5 एपर्चर जो कि बहुत ही सही फोटोग्राफ्स ले सकेगा और बहुत ही इनक्रेडिबल शॉट्स आप ले सकते हैं अपने मोबाइल यानी गैलेक्सी S9 से। और जो नेक्स्ट जो गैलेक्सी S9 के एपर्चर जो 2.4 एपर्चर तक इसे इंक्रीज किया जा सकता है जैसे कि DSLR कैमरे में होता है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। और जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है करीब 960 FPS पर, और ये क्लियर रेजोल्यूशन के साथ रहेगा। और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और एपर्चर 1.7 ही रहेगा। ये बहुत ही अच्छा एपर्चर है और आपको बहुत ही अच्छा डिटेल्स देने वाला है। और गैलेक्सी 8 और 8 प्लस के जैसा ही कुछ होगा, और 5.8 और 6 इंच का कुछ आसपास के डिस्प्ले होगा, अनमोल्ड डिस्प्ले तो ज़रूर होगा, QHD डिस्प्ले होगा। और आपको दिया जाएगा 18:5:9 रेशियो का डिस्प्ले, और शायद 6.2 इंच का डिस्प्ले साइज जो भी हो सकता है इसका। तो आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो S9 है वो 4GB रैम के साथ आता है, और यहाँ पर दोनों वेरिएंट आपको मिल रहा है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 तो प्रोसेसर मिल ही जाएगा, और एक वेरिएंट में मिलेगा सैमसंग का एक्सनॉस 9810 SoC प्रोसेसर जो कि बहुत ही अच्छा है, एडवांस्ड है, नया प्रोसेसर है। आगे चल के देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस मिलता है इस प्रोसेसर से। और जो S9 में 6GB रैम वाला भी वेरिएंट होगा, और जो 4GB और 6GB जो भी कहो रैम वाला वेरिएंट मिलता है वहाँ पर मिल जाता है 64GB का स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज होगा, और 250GB तक आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो MicroSD कार्ड के ज़रिए से। और जो एंड्रॉयड ओरियो ही अपडेट होगा दोनों मोबाइल पे, यानी S9 और S9 प्लस में। और UI जो 9.0 UI मिलेगा आपको, IP68 सर्टिफाइड होगा, और ये 30 मिनट तक 1.5 मीटर की डेप्थ में यानी 1.5 मीटर की वाटर में ये 30 मिनट तक वाटरप्रूफ रहेगा, उसके बाद शायद पता नहीं क्या होगा। और जो बैटरी दिया गया है 3500 mAh का बैटरी
तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि बैटरी भी इंक्रीज कर दिया है सैमसंग ने। सैमसंग का बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा होता है जैसे कि और भी मोबाइल पर। तो यही सारा डिटेल्स मिले। 25 फरवरी को शायद ये लॉन्च होगा। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। और भारतीय एयरटेल ने HMD ग्लोबल में अनाउंस कर दिया है कि पार्टनरशिप कर रहा है एयरटेल 4G, एयरटेल नहीं भारतीय एयरटेल जो 4G अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है 4G फोन, उसके साथ पार्टनरशिप शुरू कर दिया है। सो इसके लिए जो प्राइस आपको मिल रहा है जो कैशबैक ऑफर नोकिया 3 में वो करीब 2000 का है, और नोकिया 5 में भी आपको कैशबैक मिल रहा है, और जो नोकिया 3 प्राइस चल के आता है कैशबैक के बाद 7499 यानी 7500 रुपीज़ में मिल रहा है नोकिया 3। और जो नोकिया 2 मिलेगा आपको 5000 के अंदर यानी 4999 रुपीज़ जो कि 5000 ही होता है। तो यही सारे स्पेसिफिकेशन चल के आता है। और एयरटेल के तरफ से बहुत ही खास प्लान रहेगा, 169 पे आपको 4G डाटा मिलेगा हर पर डे 1 GB के 4G डाटा, और आपको शायद इसके अच्छा इससे अच्छा ऑफर कहीं और पर ना मिले। और जो कस्टमर 36 मंथ्स यानी 3 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट में भी मोबाइल ले सकता है, तो यहाँ पर कैशबैक भी मिल जाता है। और जो कैशबैक इंस्टॉलमेंट होगा 500 रुपये का होगा, जैसे कि 2000 रुपये का नहीं दिया जाएगा। और नेक्स्ट 80 मंथ्स तक कस्टमर को सेकेंडली इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 1500 रुपये करके। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो ही इन्फोसिस की तरफ से जो एग्रीमेंट था इन्वेस्ट को डी इन्वेस्टमेंट कर दिया है 2.49 मिलियन, जो कि मैंने पहले भी पढ़ चुका हूँ और आगे चल के भी शायद यही न्यूज़ रहेगा। तो यही सारा न्यूज़ है। और जो नोकिया 4 के ऊपर भी न्यूज़ दे दिया है। और लास्ट जो न्यूज़ है तेज़ की तरफ से, मोबाइल एप्लीकेशन जो गूगल तेज़ है वहाँ से आप इजीली इलेक्ट्रिसिटी बिल या और भी गैस के बिल वगैरह भर सकते हो। गूगल तेज़ पेमेंट DTH बिल भी भर सकते हो, जो कि नहीं किया जा सकता था कुछ दिनों पहले से भी। तो आप तेज़ को यूज़ करो और एंजॉय करो, और शायद आपको कैशबैक भी अच्छी तरीके से मिल रहा है गूगल से। और जो रिवार्ड पॉइंट्स दिया जाता है बहुत ही खास है, कहीं पर नहीं दिया जाता इतना सारा रिवॉर्ड पॉइंट। जैसे कि मैंने एक फ्रेंड्स को मिला जितना सारा पैसा उन्होंने सेंड किया था और एक पर्सन को, तो वही सारा पैसा उसको रिवॉर्ड पॉइंट के तरफ से मिल गया था गूगल के तेज पे। तो यही सारा फीचर्स है और यही सारा न्यूज़ है आज के डेट पर। कल का न्यूज़ और आज का न्यूज़ थोड़ा बहुत मिक्स करके मैंने दे दिया है। और आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि रोज़ाना मैं ही ऐसा न्यूज़ लाता रहता हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ में फिर से मुलाकात होगा। आज के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।